हेलो एवरीवन। तो शाम के बज गए थे 5 और ये ना आजकल मेरी रूटीन बन गई है। लंच के बाद ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बट थोड़ा सा रेस्ट कर करते कुछ ज़्यादा ही रेस्ट हो जाता है मेरा। और उसके बाद ना जैसे ही मैं सो के उठती हूँ तो उसके बाद मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और फिर मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं लंच से पहले सोच के रखती हूँ कि आज ऐसे ही सोऊंगी तो उसके बाद मैं क्या बनाऊँगी खाने के लिए। तो मैंने आज चने भिगो के रखे थे और मेरे शाती दिमाग में चला था कि आज मैं गोलगप्पे खाऊंगी, और मैंने चने भिगो के रखे थे। मेरे पास यही वाले चने थे तो मैंने सोचा कि उन्हें इसी से ही बनाया जाए गोलगप्पे। चलिए देखिए कैसे कैसे बनाए मैंने गोलगप्पे आज। तो यहाँ पे मैं कच्चे चने खा रही थी जो मैंने भिगो के रखे थे। अच्छे रहते हैं खाने के लिए, ज़रूर खाना। वैसे तो इसको मॉर्निंग में खाते हैं, बट अभी आपको पता है मैं आज गोलगप्पे बना रही हूँ तो ये वाला पैकेट लेती हूँ मैं, ये वाला यूज़ करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, इसको बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होता है। ऐसा लगता है कि मतलब जो बाहर खाते हैं ना हम, उससे भी बेस्ट होता है ये। और दो मैंने आलू काट लिए, इसके लिए इस पे डालेंगे हम। तो लीजिए चने और आलू रेडी है अब पकने के लिए, और इसमें डालेंगे हम नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें कलर के लिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना आपने। तो कुकर में कर लिया मैंने पैक चने और आलू, और ज़्यादा नहीं पकाएंगे गाइस, इसको 2 सीटी में पक जाएगा इजीली, अच्छे से पक जाएंगे ये प्रॉपर। एंड जो ये गोलगप्पे ये मैंने दिन को रेडी कर रहे थे जब मैंने लंच बनाया, क्योंकि उस टाइम ऑयल भी गर्म था और मैंने सोचा कि उन्हें अभी बना के रखूं, और बाद में फिर आलस पड़ जाती है जब हम सो के उठते हैं, पड़ती है कि नहीं ये आप लोगों को भी पता होगा गाइस। और उसके बाद ये चने देखो गाइस बिल्कुल पक गए थे, मैंने बोला था ना 2 सीटी में पक जाएंगे। और ये मैंने मैश कर लिए थे जो आलू थे, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा प्याज डालेंगे हम इसमें जो मैंने वो भी चॉप करके रखा था पहले ही, लंच से पहले ही। तो लीजिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, और साथ में मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली थी। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना आपको पसंद है। मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों की, जो अपने घर पे हाथों से अपने हाथों से बनाओगे ना उसमें मज़ा ही कुछ अलग होता है। बाहर पता क्या होता है, जितना उनको बोलोगे कि हाँ यार हमारे को स्पाइसी नहीं चाहिए, वो उतने ज़्यादा स्पाइसी कर लेते हैं। इसलिए अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपने अकॉर्डिंग खाओ। तो लीजिए ये है पानी पूरी मैजिक जो इसका डब्बा है गाइस, आप लोग भी इसको यूज़ करना और खाना ज़रूर गाइस, और मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसमें बताया कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना, सारा फील करा है। सबसे पहले देखो पूरीज भी है इसमें, कैसे कैसे हमने पूरी को तलना है, बाकी सारा कुछ इसमें मिल जाएगा आपको गाइज। आप लोग खुद ले लेना, देख लेना, क्योंकि अपनी आंखों से देखना, अपने हाथों से खाना वो कुछ अलग बात होती है। जो दूसरे बताते हैं उसमें उतना नहीं मज़ा आता, बट जो अपने हाथ का स्वाद अपने सामने होता है ना वो खुद को ही पता चलता है। तो गाइज ये है पानी, मैं खट्टा मीठा और पुदीने वाला ही पानी लूँगी थर्ड। वो जो ये इमली वाला ये मुझे उतना पसंद नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर ही मार लेती हूँ फ़िलहाल अभी। तो लीजिए गाइस कुछ इस तरह से पाउडर होता है, इसमें ये पुदीने वाला पानी बना रही हूँ मैं। पाउडर को निकालना है, उसके बाद इस पे पानी डालना है और फिर टेस्ट करना है, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी भी डालना है इसमें और ये पाउडर भी डाल देना गाइस। सो अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, फिर जो आपका टेस्ट होगा मेरा टेस्ट कुछ अलग होगा, तो उस अकॉर्डिंग रखना गाइस। तो ऐसे ही मैंने खट्टा मीठे वाला पानी भी रेडी कर लिया था गाइस। ये देखो ये पुदीने वाला पानी है और ये खट्टा मीठा वाला पानी है। तो अब शुरू करते हैं हम गोलगप्पे कैसे बनाने और कैसे खाने हमने ये। Oh, oh, oh.
गाइस अब मैं फ्री हो गई हूँ खा के भी और बना के भी। बाकी आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।